नमस्कार, आपका स्वागत है विकी इंडिया में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उसी समय श्री कृष्ण ने कलयुग का वर्णन किया था और फिर जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो हर जगह शांति थी और खुशहाली का माहौल था। तब फिर एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भ्रमण के लिए निकले। मार्ग में चलते चलते पांडवों ने भगवान से कलयुग के विषय में चर्चा की। कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा तो इसे समझाने के लिए श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा कि तुम सब वन में जाओ, वहां जो भी घटना घटित हो आकर मुझे बताना, तब मैं तुम्हें कलयुग का प्रभाव बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार पांचों पांडवों वन की तरफ चल दिए और वन में प्रवेश करते ही पांचों पांडव अलग अलग दिशा में बढ़ गए। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर ने एक हाथी देखा जिसकी दो सूंड थी। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर अर्जुन ने एक अजीब सा पक्षी देखा जिसके पंखों पर शास्त्रों व वेदों की रचनाएं लिखी थी और वह पक्षी मनुष्य का मांस खा रहा था। तीसरा और अजीब आश्चर्य भीम को दिखा। भीम ने देखा कि एक जानवर अपने बच्चे को जन्म दे रहा है और फिर उस जानवर ने अपने बच्चों को इतना चाटा कि वह लहलुहान हो गया। उसके बाद चौथा आश्चर्य सहदेव ने देखा कि एक जगह सात कुएं थे जिनमें बीच का कुआं छोड़कर सारे कुएं ऊपर तक भरे थे, जबकि बीच वाला कुआं गहरा होते हुए भी खाली था। और पांचवे पांडव नकुल ने सबसे बड़ा आश्चर्य देखा कि एक बड़ा पत्थर ऊंचे पहाड़ से लुढ़कता आ रहा है जिसे बहुत बड़े बड़े वृक्ष भी नहीं रोक सके, परंतु वह अंत में जाकर एक छोटे से पौधे के स्पर्श पाते ही वहीं रुक गया। इन सभी आश्चर्य को देखने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास वापस गए और अपने आश्चर्यों का विस्तार रूप से वर्णन किया। तब श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, दो सूंड वाले हाथी का मतलब कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे और बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उसके बाद भगवान ने अर्जुन के आश्चर्य का भेद बताते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे ऐसे विद्वान रहेंगे जो महाज्ञानी कहलाएंगे, किंतु वे विद्वान यही सोचते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम उसकी संपत्ति हो जाए, फिर वो चाहे कितना ही बड़े लोग क्यों ना हो, उनकी दृष्टि मांस रूपी धन के ऊपर ही रहेगी। फिर श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि कलयुग का आदमी शिशुपाल जैसा होगा। माता पिता बालकों के लिए इतनी ममता रखेंगे कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। इतनी ममता और मोह माया उसे परिवार में ही बांध कर रखेगी, उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। भगवान ने कहा, वास्तव में तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है, तुम्हारी मृत्यु आत्मा की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसके बाद भगवान ने सहदेव से कहा, जो व्यक्ति धनवान होगा वह अपने लड़के लड़की के विवाह में छोटे बड़े उत्सवों पर लाखों रुपए खर्च करेगा, परंतु यदि उनके पड़ोस में कोई बच्चा भूखा प्यासा होगा तो उसे कोई नहीं देखेगा। गरीब के आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी और जिनकी रुचि होगी
उन पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसके जीवन का पतन होगा। यह पतन जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के वो पांच आश्चर्य जो श्री कृष्ण द्वारा महाभारत युग में ही बता दिए गए थे, जो आज सच साबित हो रहे हैं। हम आगे भी आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल विकी इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।